देखिए, मैं उड़ीसा तो पहली बार नहीं आया, मैं बहुत बार मैं उड़ीसा आया हूँ और जगन्नाथ पुरी मंदिर में दर्शन के लिए बहुत बार आया हूँ। और सही है, पेट्रोलियम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार मैं पूरी मतलब उड़ीसा भुवनेश्वर पहुँचा हूँ। आप लोगों को मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक लंबे समय तक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसका बारे में अगर बोलें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आज आने के कारण है कि यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट एक सेंटर धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू की थी और कंप्लीट हो गया, उसका उद्घाटन समारोह है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं असम से आता हूँ, जो एशिया का फर्स्ट तेल मिला था असम में डिबगोई बोल के जगह, और वहीं से मैं सांसद हूँ, क्योंकि तेल के सुगंध लेके ही मेरी जन्म हुई थी, क्योंकि मेरे घर के आसपास तेल ही निकलते हैं और मेरा नाम भी है रामेश्वर तेली है। और मोदी जी के मंत्रिमंडल में इस बार, पहले तो मैं फूड प्रोसेसिंग में था और इस बार पेट्रोलियम और श्रम विभाग मुझे दिया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुवाहाटी में भी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए हैं। देखिए, तेल की जो कभी कभी बढ़ते हैं कभी घट जाते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। 2010 और 2014 में ऐसी हम लोग काम किए हैं जिसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ दिया गया। और आप लोग बताना चाहता हूँ कि तेल के दाम ज़्यादा नहीं है, क्यों, इसमें टैक्स ही ज़्यादा है। हर एक स्टेट ने भेंट लगाए हुए हैं, हम लोग हमारी मंत्रालय भी उसमें टैक्स लगाए हैं जिसके कारण से तेल के दाम सबसे ज़्यादा है। आप लोग देखिए, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल के दाम कहाँ है, राजस्थान में। तो कभी कभी देखते हैं कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन कांग्रेस चिल्लाते हैं लेकिन उनका जो स्टेट है, राजस्थान हो या महाराष्ट्र, आप देखिए कि वहाँ भेंट ज़्यादा लगाए हुए हैं। तो पहले अपना भेंट कमाए और उनका बात बोले कि तेल के दाम बढ़ गए। जी, मैं अभी तक इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरा भारत में हम लोग गैस लाइन बिछा रहे हैं और मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ और आप लोग मालूम है पहली तेल खोज नॉर्थ ईस्ट में हुई थी और हर एक स्टेट में अभी हमारी पाइपलाइन हम लोग बिछा रहे हैं कि घर घर कैसे लोगों को हम लोग गैस पहुंचा सकें। तो यहाँ उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री थे और कितना काम हुआ इनका बारे में मुझे जानकारी लेने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, ESCI की हॉस्पिटल हमारी 160 हॉस्पिटल है जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज है और आज भी मैं दौरा करूँगा दो एक मेडिकल में, उनका बाद उसकी स्थिति मैं बताऊँगा। देखिए, अभी तक मेरी जानकारी में कोई ऐसे प्रस्ताव नहीं है उड़ीसा के लिए, अगर ऐसी अगर डिमांड रहेगी उसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा।